हे दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए फिट फॉर इट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। आचार्य चाणक्य हमारे देश के एक ऐसे महान विद्वान रहे हैं जिनकी बताई गई बातें आज भी उतनी ही सही बैठती हैं जितनी उनके खुद के समय में थी। चाणक्य को राजनीति का गुरु माना जाता है दोस्तों। उनका अपने ज्ञान और बुद्धि पर इतना भरोसा था कि उन्होंने अपनी कूटनीति के द्वारा साधारण से बालक चंद्रगुप्त को मगध का राजा बना दिया था। चाणक्य मातृभूमि की सेवा को सर्वोपरि मानते थे। वे महान विद्वान होने के साथ साथ बहुत दूरदर्शी भी थे। यही कारण था कि उन्होंने अपने सभी अनुभवों को स्याही से पन्नों में उतार दिया, जो बाद में चाणक्य नीति कहलाई। क्योंकि उन्हें पता था कि मैं रहूं या ना रहूं, मेरी लिखी बातें हमेशा इस देश में काम आती रहेंगी। आचार्य चाणक्य एक ऐसी महान विभूति थे जिन्होंने अपनी विद्वता, अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी क्षमता के बल पर भारतीय इतिहास की धारा को बदल दिया था। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चाणक्य कुशल राजनीतिज्ञ, चतुर कूटनीतिज्ञ, प्रकांड अर्थशास्त्री के रूप में भी विख्यात हुए थे। चाणक्य की सभी बातें हमें जीवन जीने का सही रास्ता बताती हैं। हमें अपने जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका बड़ा अच्छा वर्णन चाणक्य नीति में मिलता है दोस्तों। आचार्य चाणक्य की बताई गई कुछ बातें आज मैं यहाँ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं। बिना जांचे परखे किसी की भी बात को आंख बंद करके नहीं माने। दोस्तों कहते हैं कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछिताए, काम बिगाड़ो आप नो जग में हो थासाए। चूंकि चाणक्य खुद इस बात को मानते थे कि किसी भी बात को बिना जांचे परखे नहीं मानना चाहिए, इसलिए हम भी उनकी बताई बातों को इसी तरह से लेंगे। क्योंकि हो सकता है कि जो बातें उन्होंने बताई उनमें से कुछ बातें ऐसी हैं जो उस समय तो फिट बैठती थी, लेकिन आज 21वीं सदी में वो बातें फिट न बैठती हों। इसलिए हमें उनकी बताई गई हर बात को बिना जांचे परखे नहीं मानना होगा। मूर्ख लोगों से कभी विवाद ना करें। चाणक्य कहते हैं कि हमें कभी भी मूर्ख लोगों के साथ विवाद नहीं करना चाहिए। उनका मानना था कि मूर्ख लोगों के पास बिल्कुल भी समझदारी नहीं होती है। अगर आप उनसे विवाद करेंगे तो नुकसान आपका ही होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस होने पर आपकी इज्जत कम हो जाएगी। ऐसे लोग आपको मानसिक तौर पर कमजोर कर सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख लोगों से विवाद से बचना हो तो उसका एक सबसे सीधा उपाय है कि चुप रहें और अपने विवेक से काम लें। इसलिए कभी भी मूर्ख लोगों से विवाद ना करें। अपनी कमजोरी किसी को ना बताएं। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि अधिकांश लोग अपने नजदीकियों को, अपने रिश्तेदारों को बातों बातों में अपनी कमजोरियां उजागर कर देते हैं, जो उन्हें बाद में बड़ी महंगी पड़ती है। चाणक्य का मानना था कि जब हम अपने प्यारे लोगों के साथ गहरे रिश्तों में बंधे होते हैं तो हम अपनी कमजोरी दूसरों पर विश्वास करके बता देते हैं, जो बाद में अन्य लोगों को भी पता चल जाती है, जो हमारे निजी जीवन के लिए ठीक नहीं होती। हर व्यक्ति की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। ऐसे में कभी भी अपनी कमजोरी किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, चाहे वह आपका कितना भी निकटतम दोस्त या फिर आपकी पत्नी ही क्यों ना हो। आपका एक दोष आपके दूसरे गुणों को नष्ट कर सकता है। जीवन में ऐसे बहुत से उदाहरण देखने को मिलते हैं जब लोगों के पास सुख सुविधा, धन, वैभव होने के बावजूद भी वो कोई ऐसी गलती कर बैठते हैं जिससे उनका संपन्न जीवन नरक बन जाता है। चाणक्य का मानना था कि यदि आपकी समाज में बड़ी इज्जत है लेकिन अगर आपके अंदर एक छोटा सा भी दोष है तो आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। दोष जैसे नशेबाजी करना, अय्याशी करना, घमंड करना, जुआ खेलना और भी बहुत सारे सामाजिक बुराइयां हैं। इसलिए खुद में झांक कर देखो कि आपके अंदर कोई दोष है या नहीं। अगर है तो उसे जल्दी से जल्दी त्याग दें, वरना आपकी मेहनत से बनाई हुई सारी इज्जत एक पल में मिट्टी में मिल जाएगी। दोस्तों बस आज इतना ही। बहुत जल्दी ही आपके लिए चाणक्य की बताई गई बहुमूल्य बातें चुनकर लाता हूँ। तब तक अगर आपने फिट फॉर इट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। जय हिंद।